सलमान खान के साथ काम करने वाली अभिनेत्री भाग्यश्री को बॉलीवुड में उनकी मासूमियत और सादगी के लिए जाना जाता है, लेकिन कई अरसे पहले बॉलीवुड को गुड बाय बोल चुकी है। लेकिन उन्होंने अपने दौर में जिन फिल्मों में काम किया उनकी वजह से आज भी इनके फैंस इन्हें याद करते हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर अब भाग्यश्री क्या कर रही हैं, कहाँ रहती हैं और कैसे दिखती हैं। आज हम आपको भाग्यश्री की आज की हालत से रूबरू करवाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। और इससे पहले इनके मासूमियत भरे अभिनय के लिए एक लाइक तो वीडियो पर बनता है। 23 फरवरी 1969 को मुंबई में जन्मी भाग्यश्री अपने जीवन काल के 50 साल पूरे करने वाली हैं। इन्होंने अपने अभिनय जीवन की शुरुआत 1987 में टीवी जगत पर प्रसारित अमोल पालेकर के सीरियल कच्ची धूप से किया था, जबकि भाग्यश्री ने बॉलीवुड में अपना करियर 1989 में प्रदर्शित फिल्म मैंने प्यार किया से शुरू किया। सूरज बड़जात्या निर्देशित इस फिल्म में सलमान खान और भाग्यश्री की जोड़ी को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। ये फिल्म टिकट खिड़की पर सुपरहिट साबित हुई। अपने सफल करियर के बीच में भाग्यश्री ने हिमालय दसानी के साथ शादी की। शादी के बाद भाग्यश्री ने कुछ फिल्मों में काम किया जिनके नाम थे कैद में है बुलबुल, त्यागी, पायल और घर आया मेरा परदेशी। लेकिन ये फिल्में सिनेमाघरों में सफल नहीं हो पाई। इन फिल्मों की नाकामयाबी के बाद भाग्यश्री ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया और अपना पूरा वक्त अपने शादीशुदा लाइफ को बेहतर बनाने में लग गई। आज उनके दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। भाग्यश्री के बेटे का नाम अभिमन्यु दसानी है और वहीं बेटी का नाम अवंतिका दसानी है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वर्ष 2001 में प्रदर्शित फिल्म हेलो गर्ल्स के जरिए भाग्यश्री ने एक बार फिर से बॉलीवुड में वापसी की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इस बीच भाग्यश्री ने भोजपुरी, मराठी और तेलुगु फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन आखिरकार उनका करियर सफलता को नहीं छू पाया। उन्होंने इस इंडस्ट्री को ही अलविदा कह दिया। वो आज इस उम्र में खूबसूरत और स्टाइलिश दिखती हैं। जिस प्रकार सलमान खान पर उनकी उम्र का असर नहीं पड़ा, उसी तरह उनकी पहली हीरोइन भाग्यश्री पर भी उनकी उम्र का कोई असर नहीं दिखता। दोस्तों, आपको भाग्यश्री की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, उस फिल्म का नाम हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड के गुमनामी चेहरों की खबर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।